अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? करके सेम। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो वर्ड फाइल है ये आपसे गुम हो जाए, मतलब आप सेव ना करें और वो गुम हो जाए, तो किस तरह दोबारा इसका हम रिकवरी करते हैं? तो ये मेरे रेफरेंसेस थे, मुझसे मैंने सेव नहीं किए तो ये गुम हुए थे, तो अब मैंने रिकवर कर दिए। तो ये किस तरह दो मेथड है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस मेथड के ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। पहला मेथड जो है, पहले मेथड में आपने क्या करना है, यहाँ पे मनीष पे आने हैं, मनीष पे अनसेव फाइल जो है, यहाँ पे अनसेव फाइल पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनसेव पे क्लिक करके यहाँ पे जो होंगे उसको ओपन करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप लोगों ने क्या करनी है, दूसरा तरीका जो है आप लोगों ने अकाउंट पर जानी है, अकाउंट ऑप्शन पे, ऑप्शन पे फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब अकाउंट और ऑप्शन की तरफ आप चले गए हैं तो फिर आपने क्या करनी है। तो हम किस तरह इसकी रिकवरी करते हैं, यहाँ पे आके हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे यहाँ से ये हम कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर जाके हमने यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, ये फाइल आएंगे, ये फाइल कंट्रोल ए करेंगे, सबको कॉपी करेंगे, मतलब ये जो रिकवर वाली फाइल है इसको कंट्रोल ए कॉपी कर दिया है। और इसको जब कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर एम एस वर्ड में जाके हमने क्या करना है, एम एस वर्ड में जाके हमने एम एस वर्ड में यहाँ पे एम एस वर्ड आ गया, एम एस में जाके हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए फाइल पर आके जो मैनेज है, अनसेव रिकवर है, यहाँ पे आप आके हमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जब हम पेस्ट करेंगे तो फिर इस यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, उसको ओपन करें जो ऑलरेडी मैंने ओपन किए। ओके, तो इस तरह अपने आप दो तरीक़ों से आप अपनी जो एम एस वर्ड अनसेव फाइल है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।